दोस्तों, फिल्में देखना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन जब बात आती है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन जी की, जो खुद के दम पर अपनी फिल्मों को सुपरहिट देने में कामयाब भी रहते हैं और साथ ही एक स्टाइलिश पलटी सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है, क्योंकि दोस्तों इनकी ज्यादातर फिल्में हिंदी में डब की जाती हैं, जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा। और हाल ही में इनकी जो पुष्पा मूवी आई है, जो कि लाखों लोग देख चुके हैं, जिसमें एक्शन, ड्रामा, डायलॉग बाजी और इनकी एक्टिंग एकदम माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों, इस मूवी में इनका जो डांस है वो काफी मजेदार है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पर इनका डांस ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और अब इंतजार है तो बस पुष्पा मूवी के सेकंड पार्ट का, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, साउथ के सुपरहिट एक्टर अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1983 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और बचपन से ही इन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई चेन्नई में सेंट पैट्रिक स्कूल से कम्प्लीट की। इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएट हैदराबाद में MSR कॉलेज से BBA की डिग्री हासिल की। बात करें इनकी फैमिली की, तो दोस्तों इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनके दो भाई और इनकी वाइफ दो बच्चे हैं, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं। और इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैं बचपन में स्कूल और कॉलेज में कई बार फेल होता था, लेकिन डांस कॉम्पिटिशन में हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे पापा मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से आज मैं इतनी ऊंचाइयों पर हूँ। और दोस्तों, हम आपको बता दें, अर्जुन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें इनके पापा, चाचा, दादा काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और इनके पापा एक प्रोड्यूसर भी हैं जिन्होंने काफी फेमस फिल्में प्रोड्यूस की हैं। और इनके दादाजी को सन 1990 में पद्मश्री से नवाजा भी गया था। अगर बात करें इनके करियर की, तो दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2 साल की उम्र से कर दी थी। दरअसल सन 1985 में एक विजेता मूवी आई थी, जिसमें इनको चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। और फिर ये जब बड़े हुए, तो उसी दौरान इनको अपनी दूसरी मूवी डैडी में काम करने का ऑफर मिला। और इसके अलावा इन्होंने और भी कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसके बाद इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, जैसे कि गंगोत्री मूवी, जिसमें इन्होंने अपनी धमाकेदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता, और साथ ही इस मूवी के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद आर्या, बनी, हैप्पी, शंकर दादा जिंदाबाद, आर्या 2, बद्रीनाथ, सन ऑफ सत्यमूर्ति, ये वुडू, सरायनुडू, पुरुगु। दोस्तों, ये तमिल मूवी पुरुगु के लिए इनको दोबारा से फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और सन 2020 में इनकी अलावाकुट परामोलु मूवी आई थी, जिसने 262 करोड़ का बिजनेस किया था। और हम आपको बता दें, ये मूवी इनकी बाहुबली के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म रही। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया गया था, वरना ये और भी आगे जा सकती थी। और लास्ट मूवी इनकी पुष्पा, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। अगर बात करें इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो दोस्तों इनकी वाइफ का नाम स्नेहा रेड्डी है, और वो उनके बारे में बताते हैं कि मैं किसी शादी में गया हुआ था, वहीं पर उन्हें स्नेहा मिली, जिन्हें देखकर मुझे पहले ही नजर में प्यार हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ रिलेशनशिप में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, जो थे स्नेहा जी के माता पिता। दरअसल स्नेहा के माता पिता अल्लू अर्जुन को पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब अल्लू अर्जुन के बारे में उन्होंने कुछ अच्छी बातें जानी, उनसे मिले, उनको जाना, तब जाके दोनों की शादी हुई, और आज इन पर दो क्यूट से बच्चे हैं। और हम आपको बता दें, इन्होंने कभी भी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली। जो भी कुछ डांस सीखा वो इन्होंने अपने फेवरेट डांसर गोविंदा सर, माइकल जैक्सन को टीवी पर देखकर ही सीखा। दोस्तों, अर्जुन जी को बचपन से एनिमेशन का भी बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इनके शौक भी बदलते गए। और इनकी फेवरेट मूवीज हम आपकी हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इनको अपनी हर मूवीज में अलग अलग लुक में नजर आना बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से इनकी फैंस इन्हें स्टाइलिश स्टार के नाम से भी पुकारते हैं। और ये बहुत अच्छे पेंटर, फोटोग्राफर भी हैं। वैसे दोस्तों, इन्होंने के इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि वो अपने फैन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कभी कभी उनसे मिल भी लेते हैं। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो दोस्तों उनकी नेटवर्थ 350 करोड़ है। और इनको गाड़ियों का भी बहुत शौक है, जिसकी वजह से इनके पास कई लग्जरिया कार्स हैं। और एक कार का नाम बेनेटिक वैन है, जिसकी कीमत 7 करोड़ से भी ज्यादा है। और इनकी पॉपुलरिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनकी पॉपुलरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी है, जिसकी वजह से ये हर साल फोर्ब्स की सेलिब्रिटी में छाए रहते हैं। और इनके फेसबुक पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं,
और दोस्तों ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट अनाथ बच्चों के साथ मनाते हैं और साथ में ब्लड डोनेट भी करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा हो, और अगर आप भी इनके बड़े वाले फैन हैं तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय।